नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M32 5G versus Vivo V23 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M32 5G में 6.46 इंच जबकि V23 Pro 5G में 6.28 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि M32 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो M32 5G में 3 इंच जबकि V23 Pro 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि M32 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो M32 5G में 0.36 इंच जबकि V23 Pro 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M32 5G में 205 ग्राम जबकि V23 Pro 5G में 171 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M32 5G में TFT जबकि V23 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो M32 5G में 20:9 जबकि V23 Pro 5G में 19:8:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M32 5G में 6.5 इंचेस जबकि V23 Pro 5G में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M32 5G में 720x1600 और V23 Pro 5G में 1080x2376 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M32 5G में 81.63% जबकि V23 Pro 5G में 89.04% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M32 5G में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि V23 Pro 5G में 398 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M32 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और V23 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो M32 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और V23 Pro 5G में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M32 5G में Mali G57 MC3 जबकि V23 Pro 5G में Mali G77 MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M32 5G में MediaTek Dimensity 720MT 6853V और V23 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1200MT 6893 मिलता है। बात करें RAM की तो M32 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि V23 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M32 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि V23 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो M32 5G में अप टू 1TB जबकि V23 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो M32 5G में Android V11 जबकि V23 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है।
बैटरी M32 5G में 5000 mAh जबकि V23 Pro 5G में 4300 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M32 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें V23 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 38,990 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 43,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M32 5G में 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V23 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में V23 Pro 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M31s है, दूसरा Samsung Galaxy F41 है, तीसरा Samsung Galaxy M31 Prime है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V20 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।